बस 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 सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस यार कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई हो। तो भाई सबसे पहले तो कमेंट करो यार, इंट्रो कैसा लगा यार आप सभी लोगों को आज का। और ये आप रैंक देख ही सकते हो, मतलब क्या ही रैंकिंग चल रही है मेरी। और अभी ये मैं आपको केडी वेडी सब कुछ दिखा दूंगा सही तरह से, तो देख सकते हो आप यहाँ पर। और कुछ मैचेस खेले थे वो भी देख सकते हो। और भाई कल से मैंने सिर्फ आज ही गेम खेला, एक दिन मैंने गेम बिल्कुल भी नहीं खेला था, एक दिन मतलब गेम खेला ही नहीं था यार बिल्कुल ही मैंने। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर खैर ये तो अपने कुछ थे स्टैटिक्स, तो कोई बात नहीं। अभी उसके बाद गाइस यार हमने स्टार्ट कर लिया था ये वाला गेम। और ये वाले गेम के अंदर भाई काफ़ी अच्छे खासे किल्स हैं और आपको देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है इस वाले गेम में। और मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ कि मतलब अभी देखो मेरी बग्गी एक जगह पर खड़ी है, तो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ भाई, मतलब अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर कोई एक वीडियो चाहिए ना, मतलब जिसके अंदर आपको पूरे तरह से बताऊँ पूरा गेम कैसे खेलना है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको किस तरह से गेम खेलना है, तो ये चीज़ आपको मतलब मेरे को कमेंट करके बता देनी है। मैं आपके लिए इसके लिए मतलब इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा, मतलब आपको स्टार्टिंग में कहाँ उतरना है और किस तरह से फ़ाइट लेनी है बंदों से और किस तरह से आपको किल विल्स मिलेंगे, और बस सारी चीज़ें बता दूंगा आपको वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो। सो गाइस सर अब बात कर लेते थोड़े बहुत गेम की। तो सामने की तरफ कुछ बंदे थे और मुझे यहाँ पर भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो जो बंदा था वो वहाँ पर नॉक क्यों नहीं आया यार। मतलब उसको भाई कवर में जाते जाते हुए भी एक गोली लग गई थी और काफ़ी अच्छा खासा डैमेज था यार उस बंदे को, पर लेकिन फिर भी वो बंदा नॉक नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने टीममेट से बोला भाई जल्दी से डाश में और डायरेक्टली इन बंदों के ऊपर पुश करते हैं, तो फिर देखो भाई इन बंदों को कैसा भरने वाले हम। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ फिर इनके, तो अब इनका एक लास्ट बंदा रह गया था सिर्फ। तो यहाँ पर सामने की तरफ से फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को उसके, और क्या सर यहाँ पर हम इन बंदों को इजीली फिनिश कर देते हैं। अगर भाई यहाँ पर बंदे रहते हैं ना, तो भाई जो दूसरे बंदे पुश कर रहे रहते हैं ना इन पर, तो बहुत ही घुमा फिरा करके इनको मारते हैं जैसे कि हमने मारा था। सो गाइस सर अगर आप सभी लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम थे और सामने की तरफ कुछ बंदे थे जो कि भाई बहुत गंदे तरह से फाइट ले रहे थे एक दूसरे, तो मेरे को लग रहा था कि शायद से वो बंदा हैकर है, तो इसीलिए मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर आओ और यहाँ से निकलते हैं हम। तभी मेरा टीममेट यहाँ पर एक बंदे को डैमेज दे देता है। और गाइस सर इस वाले बंदे को पूरे हेड ही हेड कनेक्ट होते हैं और इसको भी इजीली फिनिश कर दिया था हमने यहाँ पर। फिर सो गाइस सर उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं इस वाली साइड और यहाँ पर ये स्क्वाड हाउस था, काफ़ी अच्छा खासा था हमारे यहाँ पर जगह पेपर, लेकिन इसके ऊपर पहले थोड़ी देर पहले जोन था पर अब यहाँ पर इससे जोन हट गया था भाई, तो दिल से बुरा लगता है। तो गाइस सर अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो यार इन दोनों चीज़ों को और कमेंट भी कर ही देना। तो देखो यार सामने एक तरफ कुछ बंदे थे जो कि एक दूसरे से बहुत ही सही तरह से फाइट ले रहे थे, तो भाई हमको जाकर के उनकी फाइट का फ़ायदा उठाना था और थर्ड पार्टी करनी थी यार उन बंदों के साथ में।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ और पूरे नेट वेट सही तरह से मैंने सब फेंक दिए थे इस घर के अंदर। और गाइस फिर यहाँ पर इन बंदों को फिनिश कर देते हैं। और एक बंदा वो था मतलब सोलो ही था और वो ऊपर चला गया था फिर यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले तो नेट फेंका यहाँ पर, तो नेट से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने एक और नेट फेंका वहाँ पे, तो मेरे इस वाले नेट से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो यार अब कर भी क्या सकते थे, हमको डायरेक्टली पुश ही करना था। सो गाइस हम यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई इस बंदे के ऊपर ओपन से पुश करें या फिर ना करें। तो उस बंदे ने फिर यहाँ पे मोली फेंक दी थी, तभी मैंने सोचा भाई पुश कर ही देते हैं फिर। तो और यहाँ पर ये बंदा आता है, इसको भाई बस क्या ही मारा भाई, क्या ही बता सकते हैं। तो अब इस बंदे को मारने का मेरे को स्टार्टिंग में यहाँ पर मतलब एक बंदा और के फुटस्टेप आए थे, यहाँ पर मेरे को दो बंदे के फुटस्टेप आए थे। पर लेकिन जब मैं बताता हूँ आपको, जब ग्रोथ से मैंने एक बंदे को घर में यहाँ पर घुस के मारा, तो उसके बाद जब मैं बाहर खिड़की के पास जा कर के नेट फेंक रहा था, तब मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप आए थे। पर पता नहीं अब वो वाला बंदा कहाँ पर चला गया था, फिर कौन सी दुनिया में भाग गया था। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम तो वेट कर रहे थे, खैर जहाँ तक होगा वो बंदा कहीं पर सांप ही बन रखा होगा। तो फिर मैंने सोचा था कि यार मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे को दो बंदे के फुटस्टेप आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस नीचे की तरफ भी आकर देखता हूँ, मेरे को क्या पता बंदा दिख जाए। पर लेकिन यहाँ पर ही मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे को इतना तो कन्फर्म था कि भाई जो भी बंदा है ना, वो सामने की तरफ कहीं ना कहीं पर भी भाई इच्छाधारी नागिन बन के बैठा है। तो अब उसको जैसे तैसे करके हमें मारना पड़ेगा, और खैर मार तो उसको ईजिली देंगे भाई, 2v1 यार ऐसे कैसे भाई। तो यहाँ पर मैं ऊपर आया था थोड़े बहुत स्पॉटिंग करने के लिए, और मैं यहाँ पर रैंडम फायर ले रहा था। कुछ नहीं कह सकते गाइस यार, अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है कभी कभार भाई ऐसी गोलियाँ लग जाती है बंदे को, और इजीली फिनिश भी मिल जाते हैं आपको, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा भाई अब तो यार जोन भी छोटा हो गया है, हमारे ऊपर से भी हट चुका है, हमको वैसे भी जोन के अंदर जाना ही है। तो मैंने यहाँ पर एक दो नेट ट्राई करे सबसे पहले तो, और यहाँ पर मैंने अपने टीममेट्स बोला भाई अब यहाँ पर अगर मेरे नेट से कुछ नहीं होगा तो तू ओपन में जाना और मैं उस बंदे को इजीली भर दूंगा। तो फिर टीममेट को मैंने यहाँ पर बली पर चढ़ा दिया था। सो गाइस सर इजीली इस बंदे को भी यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो गाइस सर आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही देना मेरे भाई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर ही देना, और मेरे को ये ज़रूर से कमेंट करके बता देना कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वाली वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो बता देना मेरे को यार ये सब भी।